हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप हिबिस्कस का शैम्पू कैसे बना सकते हैं। गुड़ैल के फूल हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसकी पत्तियां भी काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। ये बालों को स्ट्रेंथ देते हैं, बालों को स्ट्रांग बनाते हैं, काला बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी ये कम कर देते हैं। ये शैम्पू 100% नेचुरल है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस शैम्पू को बनाना। सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप रीठा। यहाँ पे मैं रीठा साबुत यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कूट कर यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिकाकाय, वो भी 1/4 कप। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप हिबिस्कस फ्लावर। इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको चाहिए हिबिस्कस के ताजे फ्लावर्स। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह से सूखे फूल भी मिल जाते हैं आसानी से किसी भी शॉप पे, तो उसको इस्तेमाल करिए। मैं इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ऑनलाइन परचेज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का छिलका। मेरे पास ये आधा था, आप चाहे तो 1 या 2 भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर डालिए। आप इसकी जगह सादा या फिर ताजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस पाउडर। मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें ऐड करिए। इसमें अब हिबिस्कस की कुछ पत्तियाँ डाल रही हूँ मैं। मेरे पास घर में प्लांट है तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपको मिल जाती है तो ऐड करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्पून की मदद से। मिक्स करने के बाद हमें इसे पकाना है, तो गैस ऑन करके इसे कम से कम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकने दीजिए। पहले एक बार उबाल आने दीजिए और उसके बाद 15 मिनट तक बॉईल होने दीजिए, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और हमारा शैम्पू बहुत झाग वाला और जितने भी हिबिस्कस के और बाकी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स हैं वो सारे इस वाटर में आ जाए। पंद्रह से 20 मिनट पकने के बाद ये शैम्पू बिल्कुल ठंडा हो चुका है और देखिए गहरा कलर इसमें आया है। अब इसे हम किसी भी दूसरे बर्तन में स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। स्ट्रेन करने से क्या होगा कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों में कोई भी पार्टिकल फंसेगा नहीं और बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए मैं स्पून से इसे मिक्स कर रही हूँ और इसमें कितना अच्छा झाग आ रहा है। जब आप इसे बालों पर रगड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा झाग आएगा और ऑयल को भी अच्छे से निकाल देगा। इस शैम्पू को स्टोर करने के लिए आप कोई भी पुरानी शैम्पू की बॉटल ले सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप बॉटल लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है शैम्पू करते वक्त इसको यूज़ करने में। तो इस तरह से आप इस शैम्पू को इस बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं।
हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार है और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और काफ़ी ज़्यादा झाग भी ये देता है। इसमें कोई शिकायत नहीं है कि आपको झाग नहीं मिलेगा, बालों में से ऑयल नहीं निकालेगा। आप एक बार इस शैम्पू को ट्राई करिएगा, आपको खुद ही बहुत पसंद आएगा। तो फिर दोस्तों इस DIY हिबिस्कस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत इजी रेमेडी है और काफ़ी बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे जल्दी से ग्रीन कर दीजिए। मिलती हूँ एक और अमेजिंग रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।